नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्विम टेक एंड एजुकेशन। अगर आपने भी SSC MTS का एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है और अभी अपने एप्लीकेशन स्टेटस को और एग्ज़ाम डेट को जानना चाहते हैं और अपने एप्लीकेशन स्टेटस को जानना चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, तो सारे जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी पूरी वीडियो देखें ताकि इस वीडियो में बताया गया पूरी पूरी नॉलेज आपको मिल पाए। तो चलिए प्रोसेस की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है ssc.nic.in। इतना लिखने के बाद जैसे आप सर्च कर लेंगे, आप देख सकते हैं SSC के ऑफिशियल पेज पे इस प्रकार से आप आ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर की ओर देखिए तो कुछ सेक्शन देखने को मिल जाएगी, जहाँ कि आपको एडमिट कार्ड को क्लिक करना है। एडमिट कार्ड के सेक्शन में क्लिक करने के बाद अगला पेपर इस प्रकार से आ जाएगी और यहाँ पर SSC के सारे URL आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारे रीजन का URL आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, आप जिस रीजन से अपने एप्लीकेशन को अप्लाई किए हैं उसी रीजन के URL से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैं ईस्टर्न रीजन से अप्लाई किया हूँ तो ईस्टर्न रीजन को क्लिक कर देता हूँ। सेम प्रोसेस है किसी भी रीजन से हो, यहाँ पर ईस्टर्न रीजन का कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है कि आप ऐसा रीजन का नहीं देखोगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए अगला पेपर आने के बाद लेटेस्ट न्यूज़ का एक सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप जैसे ही नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 अप्रैल 2023 को एक लिंक जारी किया गया था जो लिखा हुआ है नाउ योर स्टेटस ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड होल्डर एग्जामिनेशन 2022। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं और दूसरी हो गया अपने कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना क्या है, कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक सम का ऑप्शन मिल जाता है, इस सम के ऑप्शन को आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको इंटरफेस होगा, यहाँ पर एक निर्देश का पेज खुल के आ जाएगी और इस ओके के बटन पे इसके बाद आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस प्रकार से इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपके सारे के सारे डेटा आपको सोने लग जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन और यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगी रीज़न फॉर रिजेक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैंक है, ब्लैंक के जगह में अगर आपके कुछ लिखा आता है, अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट होती है तो आपको यहाँ पर कुछ रिजेक्ट रीजन लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज फ्रेंड्स इस प्रकार से ब्लैंक आएगा और ब्लैंक अगर आ गया तो फ्रेंड्स आपको समझ लेना है कि आपके एप्लीकेशन सही है, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपके एग्जाम डेट को आपको फ्लो करना है, यहाँ पर देखना है कि आप ईआर रीजन से अगर अप्लाई किए हैं तो 7 दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर ईस्टर्न रीजन से हैं तो आपके रोल नंबर के नीचे एक इस प्रकार से अंडरलाइन आ जाएगा। इस अंडरलाइन आने के बाद आपको समझ लेना है कि आपके एडमिट कार्ड अभी रेडी हो गई डाउनलोड होने के लिए। तो रोल नंबर यहाँ पर क्लिक करना है, रोल नंबर पर, और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन टाइम को कैसे चेक कर पाएंगे और फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, सारा जानकारी आपको मिल जाएगी इस प्रकार से। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के बटन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।